गुप्त सूचना के आधार पर फिर एक बार पकड़ा गया शराब से भरा गाड़ी। स्थानीय लोग बताते हैं कि लक्ष्मी सागर स्थित एक पोखर में सुबह 14 चक्का गिरी हुई देखे, जिसके बाद तुरंत वहां प्रशासन को फोन किया गया और वहां पर दरभंगा यूनिवर्सिटी के प्रशासन के द्वारा पहुंचकर और स्थानीय लोगों के द्वारा मदद से उस गाड़ी को पानी से निकाला गया और पहले यह देखा गया कि कहीं उसमें कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें सिर्फ शराब से भरी बोतलें थी। शराब से लदा हुआ वह गाड़ी पानी में कैसे जा गिरा उस बड़े तालाब में, यह भी प्रशासन छानबीन में लगी हुई है। वही सवाल यह उठता है कि बिहार सरकार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली मद निषेध कानून की समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन उस बैठक के बावजूद इस तरह से कहीं न कहीं हर जिले में अगर बात करें तो शराब तस्कर, शराब माफियाओं के द्वारा शराब से कभी भरी गाड़ी तो कभी शराब पीते हुए व्यक्ति और कभी जहरीली शराब से हुई मौत, आखिर कहीं न कहीं शराबबंदी कानून का पालन नहीं होते हुए बिहार में दिखता है। प्रशासन मशक्कत करने में लगी हुई है और साथ ही साथ बिहार सरकार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार ने आजकल शिक्षकों को भी दारू पकड़ने और पकड़वाने की जिम्मेदारी दे दी है। वहीं आखिरकार शिक्षक दारू पकड़ाएंगे या शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, यह भी सोचनीय विषय है जो बिहार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए क्या प्रमुखता से सिर्फ मद निषेध कानून को लागू करना रह गया है या और कुछ भी बिहार में बाकी है। गाड़ी को जो है बाहर किए है, ऊपर से प्रशासन लोग को हम लोग सपोर्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि प्रशासन लोग को हम सपोर्ट नहीं किए, फिर भी प्रशासन लोग कहता है कि पब्लिक पर गोली चला देंगे, बताइए उनका गाड़ी क्या निकला गाड़ी में, अभी तो आप लोग बिहार प्रेजेंट में आप सुनते हैं गाड़ी में क्या निकला है, गाड़ी में क्या है, गाड़ी में दारू है, कहाँ पर मिला है, अभी तालाब में से लगता है ये वार्ड है, पंद्रह वार्ड है, क्या लगता है ये गाड़ी कब घुसाया गया होगा पानी में, सो पता नहीं, हम लोग सवेरे यहाँ पर सब आता है बाथरूम करने के लिए, इसलिए सब देखा है तो भीड़ लगा है, बस कौन जगह ये है, ये पशुपालन है लक्ष्मी सागर गई पशुपालन, लोगों को गुप्त सूचना मिला कि तालाब में गाड़ी गिरी हुई है, हम लोगों को लगा कि शराब ही होगा, हम लोग लगभग 7-7:30 बजे वहाँ से चले तो देखे कि गाड़ी यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और गाड़ी अंदर में गिरी हुई थी, हम लोग किसी तरह से टोचन करके पहले उसको मैं दिखवाई कि कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि आदमी नहीं है, हम लोग टोचन करके गाड़ी को बाहर निकाले जिसमें शराब भरा हुआ है, कितना शराब है ये अभी काउंटिंग नहीं किए हैं, काउंटिंग आप लोग भी देख लीजिए कितना है, कौन सा गाड़ी है, गाड़ी वैगनर है सर, कहाँ पर निकाले हैं, कहाँ किस जगह से निकाले हैं, तालाब से निकाले हैं, लक्ष्मी सागर सर, अपना पर्चय सुदेश्वर लाल एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा, सर लोग अपने तफरी का माहौल क्यों बनाए हुए हैं, माहौल बस शराब का लेने के लिए, नहीं लेने के लिए तो नहीं, जो एगो ले लेगा वीडियो चला जाएगा पटना, सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे, अभी नीतीश में ये सब नहीं है, जिनका वीडियो चला गया उनको घर से खींच करके निकाल के, कुछ पब्लिक लोग भी सहयोग किया है, हाँ पब्लिक का सहयोग है, पब्लिक ने बहुत सहयोग किया है, बहुत सहयोग किया है। इस के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।